अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन स्टू की रेसिपी। बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चिकन स्टू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले रही हूँ। यहाँ तकरीबन मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आप इसे स्लाइस में कट कर लें पतला पतला। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का सा ट्रांसलूसेंट जब प्याज हो जाएगा उतना ही हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो हल्का सा चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है हमारा इस तरह का हो जाना चाहिए। हल्का सा भून चुका है हमारा प्याज, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे चिकन को। और अब चिकन को हम इसके साथ मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसे भी भूनेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई कर लेंगे। तो चलाते हुए इसे भी हम इस तरह से भून लेंगे। चिकन का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे। में हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने 4-5 लौंग ली हैं, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 7-8 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता लीव ये ले लिया है। इसको हम ऐड कर लेंगे इसके साथ। 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से। अब मैंने यहाँ पे ली हैं 3 लाल सूखी मिर्च हैं ये, इनको मैंने कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 चम्मच लिया है धनिया, 1 चम्मच सौंफ ली है। सौंफ और धनिए को हम हल्का सा दरदरा कर लेंगे, मतलब कूट लेंगे इसे हल्का सा। और जो लाल मिर्च हमने ली है उसको हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे तोड़ के। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च को ऐड कर लेती हूँ। धनिया और जो सौंफ ली है इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, तो अब इसको भी ऐड कर लेंगे। इसको इस तरह से कूट के ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है इसमें। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो हम चिकन को यहाँ पे इसी तरह से ओपन करके भूनते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे इस टाइम पे और इस चिकन को हमें तकरीबन 6-7 मिनट के लिए भूनना है। तो ये देखिए हमने चिकन को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में यहाँ पे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो हल्दी पाउडर थोड़ा कम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, जिससे कलर अच्छा आएगा हमारे स्टू का। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए और भूनेंगे। सारे मसालों के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो हमने 3-4 मिनट के लिए पहले भूना है और 3-4 मिनट अभी हम भून रहे हैं। तो उस तरह से ये हमारा चिकन हमने 7-8 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐड कर लिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटर के साथ हम इसको भूनेंगे। टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं होते तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। सारे मसालों को हमें इसी तरह से भून के तैयार करना है, हम इसे ढक के नहीं पकाएंगे अभी। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 मिनट मैंने इसे पकाया है और 2 मिनट बाद हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने 4-5 हरी मिर्च को बीच में से कट करके ऐड कर लिया है। इसे भी मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च ऐड की है, इससे ज़्यादा मसाले मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। तो ये हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम आधा कप दही ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे दही को ऐड कर लेंगे। दही को भी हम अच्छे से भूनेंगे। दही का पानी बिल्कुल ड्राई होने तक हम इसको भूनेंगे चिकन को। तो इसको चलाते हुए आपको इस तरह से फ्लेम को हाई करके भूनना है। तो फ्लेम को हाई करके हमने इसे 2-3 मिनट के लिए भूना है। और ये देखिए दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, हमारा जो चिकन है काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। इसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके अच्छी तरह से पका लिया है। और ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इतना ही हमें इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरे धनिया को थोड़ा मोटा मोटा काट के ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन स्टू बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये तेज़पत्ता लीव है, इसे निकाल देते हैं, इसका फ्लेवर आ चुका है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके रखेंगे 5-6 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये हमारा चिकन स्टू बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा हरा धनिया बचा हुआ है, वो भी ऐड कर लेती हूँ। मिक्स करेंगे इसे और कवर करके रख देंगे हम इसे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। 4-5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो ये हमारा चिकन स्टू बन के रेडी हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ सर्व करें। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा चिकन स्टू बन के रेडी हुआ है। तो आप इस चिकन स्टू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। And thanks for watching this video. Allah Hafiz.